सैयद सालार मसूद शाह गाजी, सैयद सालार मसूद शाह गाजी अगर पूछ लेगा तो क्या बताना है आपको, बहराइच बता देना है। सैयद सालार मसूद शाह गाजी का दरगाह पूछेगा तो बहराइच बताना है। हाँ, सैयद सालार मसूद शाह गाजी का दरगाह पूछेगा तो आपको क्या बताना है, बहराइच बताना है। लिख कर ये सब क्लियर हो गया भाई? तो सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और एक एक सवाल को कई बार रिपीट करना है, कई बार रिपीट करना है, एक भी सवाल छूटने ना पाए। जान लीजिए पोलियो ड्रॉप, एक भी बच्चा छूटा हाँ तो मिशन फेल, इसलिए एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए इस बार। यहाँ इस बार अगर आपसे 38 सवाल पूछ रहा है तो 38 सवाल में 30 के ऊपर सारे सवाल फिर से बनने चाहिए। वैसे ये 28 सवाल के आसपास आया था, फंस गया था, इस बार 30 के ऊपर फंसा देना है, ठीक है ना? तो पॉइंट टू पॉइंट एकदम जान लीजिए, एक एक सवाल कम से कम 4-5 बार, किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताब सब बंद, बस जो आप नोट कर रहे हैं इसी को बार बार रिपीट करते रहिए, सवाल इसके बाहर नहीं जाएगा। क्लियर हो गया भाई? चलिए, इतना बात समझ में आया? अब देखिए, हो गया भाई, लिख लिए हैं, ये वाला हो गया, ये हो गया इतना। चलिए अब आपसे ये पूछेगा, समसपुर पंछी विहार कहां है? समसपुर बराय बरेली, हाँ लिख लीजिए, समसपुर पंछी विहार, समसपुर पंछी विहार बताए है ना, हाँ लिख लीजिए, समसपुर पंछी विहार अगर पूछेगा क्या बताना है, ये बरेली बता दीजिएगा। क्लियर हो गया भाई? समसपुर पंछी विहार बताना है क्या? चलिए फिर पूछेगा, सांडी पूछेगा, सांडी पंछी विहार हरदोई में है, सांडी पूछेगा क्या बताना है, सांडी पंछी विहार पूछेगा तो बताना हरदोई, और वही हरदोई जो खड़ाऊ के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, सांडी पंछी विहार पूछेगा क्या बताना है, हरदोई बताना है, और हरदोई किसके लिए प्रसिद्ध है, खड़ाऊ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भाई? खड़ाऊ के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया भाई? ओखला पंछी विहार पूछेगा गौतम बुद्ध नगर बताना है, ओखला, ओखला पूछेगा, ओखला पंछी विहार पूछेगा तो गौतम बुद्ध नगर बताना है, क्या बताना है, गौतम बुद्ध नगर बताना है, ओखला पंछी विहार पूछेगा गौतम बुद्ध नगर बता देना है, ओखला पंछी विहार पूछे क्या बताना है, गौतम बुद्ध नगर बताना है। पार्वती अरंगा हमने बताया, फिर जान लीजिए, पार्वती अरंगा गोंडा में है, पार्वती अरंगा कहां है, पार्वती अरंगा, पार्वती अरंगा पूछेगा तो आपको बताना गोंडा, पार्वती अरंगा पूछेगा तो आपको बताना है कहां पर ये गोंडा में है, पार्वती अरंगा कहां है, गोंडा बताना है, पार्वती अरंगा पंछी विहार पूछेगा क्या बताना है, गोंडा, पार्वती अरंगा गोंडा में। फिर पूछेगा लाख बहोसी कन्नौज में है, लाख बहोसी अगर पूछ लिया तो कन्नौज बताना है, लाख बहोसी अगर पूछेगा तो क्या बताना है, लाख बहोसी पंछी अभयारण्य पूछेगा तो आपको कन्नौज बता देना है, और कन्नौज आप जानते हैं खुशबुओं का शहर है, खुशबुओं का शहर है, क्लियर हो गया, इत्र नगरी है, तो लाख बहोसी पूछेगा तो हाँ महोदया श्री भी कहते हैं, इसका पूर्व नाम क्या है, महोदया श्री, हाँ हाँ हाँ, लाख बहुसी सब पंछी अभयारण्य है, हाँ लाख बहुसी पूछे क्या बताना है, कन्नौज, लाख बहुसी पूछेगा कन्नौज बता देना है। क्लियर हो गया भाई? नहीं समझ पाए? एक तो ऐसे जाने पटना पंछी विहार पूछेगा तो पटना ना बताइएगा, लिख लीजिए, गलत हो जाएगा, लिखिए जल्दी से, पटना पंछी विहार पूछेगा, और पटना पंछी विहार आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के एटा में, पटना पंछी विहार उत्तर प्रदेश के एटा में मिलेगा, पटना, पटना लिखिएगा, पटना पंछी विहार उत्तर प्रदेश के एटा में मिलेगा, और सुरहा ताल भी नहीं भूलना है, सुरहा ताल हाँ कहाँ है, बलिया में है, और सुरहा ताल कहाँ है, तो सुरहा ताल है बलिया में, कहाँ भाई, बलिया में है, और सुरहा ताल बलिया में है, बाली बगिया जो है बलिया, जो बागी बलिया, बागी बलिया, और यही बलिया चित्तू पांडे वाला, किसका भाई, चित्तू पांडे वाला, चित्तू पांडे वाला ना, हाँ, जिन्होंने समानांतर सरकार की स्थापना किया था उत्तर प्रदेश में बलिया में 1945
चित्तू में 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में बलिया में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार की स्थापना कर दिया था, तो वही है सुरहा ताल पूछेगा क्या बताना है, बलिया बताना है। क्लियर हो गया भाई? चलिए इसके बाद आपसे पूछेगा एक पूछता विजय सागर महोबा में, देखिए विजय सागर पूछेगा कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश में विजय सागर किस जिले में है, तो महोबा उत्तर प्रदेश में विजय सागर किस जिले में है, तो विजय सागर मिलेगा आपको महोबा में, विजय सागर महोबा आला उदल वाला जानते हैं भाई, आला उदल उत्तर प्रदेश में विजय सागर महोबा, उत्तर प्रदेश में विजय सागर कहां है, महोबा में है। महोबा पान के लिए, पान की खेती के लिए, पान प्रशिक्षण केंद्र के लिए महोबा जाना जाता है, और आल्हा वाला जो कहानी किस्सा वो भी कहां का है, महोबा का है। बात क्लियर हो गया भाई? तो विजय सागर पंछी वाला है भाई, पंछी वाला है, सब कहां है, महोबा में। विजय सागर पूछे क्या बताना है, महोबा बताना है। ठीक, क्लियर हो गया? नहीं समझ पाए, हो गया बाकी पूछ गया भाई? चलिए तो इसके बाद आपसे पूछेगा यही आपके पड़ोस में संत कबीर नगर से क्या पूछेगा, कौन सवाल, संत कबीर नगर से बखीरा झील, वाह हाँ बखीरा झील पूछ ले, तो बखीरा झील, हाँ बखीरा झील संत कबीर नगर बता दीजिएगा, हाँ तो ये बताना है संत कबीर नगर बताना है, संत कबीर नगर बता देना है, तो इसको भी याद रहे संत कबीर नगर बखीरा झील आपको बता देना है, इसको आप जानते हैं। क्लियर हो गया भाई? समझ गए? हाँ बखीरा ही, बांसी से निकलेंगे आप, बांसी यहां से गए, बांसी से तत्काल आप जो है हाँ गलावा से निकलते हुए आप पहुंच जाएंगे संत कबीर नगर में, एंट्री मार देंगे मेहदावल बाजार से होते हुए आप संत कबीर, हाँ सीधे जाके आप, हाँ सीधा सीधा चले जाएंगे। तो ये जो है बखीरा संत कबीर नगर, और संत कबीर नगर का मुख्यालय खलबली, खलबली से खलीलाबाद याद रखिएगा। हाँ तो संत कबीर नगर का मुख्यालय अगर पूछे क्या बताना है, खलीलाबाद। चलिए वैसे संत कबीर की जो है निर्वाण स्थली क्या है, मगहर, और मगहर कहाँ है, कौन जिला मगहर, संत कबीर नगर, हाँ मगहर संत कबीर नगर, गलत नहीं करना, चलिए हाँ गलत नहीं करना है। इसके बाद अगला याद करना है, अगर पूछ लीजिए, हाँ 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 अच्छा चलिए अच्छा चलिए सलीम अली, हाँ चलिए अगला देखिए भाई, सलीम अली पंछी बिहार अगर पूछ ले जम्मू कश्मीर बता दीजिएगा, सलीम अली पूछेगा कहां बताना है, जम्मू कश्मीर बताना, गलत नहीं करना है, सलीम अली जम्मू कश्मीर बताना है। भारत के वर्ल्ड मैन पंछी वाले व्यक्ति यही थे, वर्ल्ड मैन इनको कहा जाता है, हाँ तो सलीम अली पंछी बिहार आपसे पूछेगा जम्मू कश्मीर बताना है, हाँ जम्मू कश्मीर। और ध्यान रहे अगर मानस पूछ ले, मानस कहां, असम में, मानस पूछ लेगा वन्य जीव अभयारण्य, वानस मानस वन्य जीव अभयारण्य अगर पूछ लिया, हाँ तो ये सब कहां बताना है, असम बताना है, मानस पूछेगा असम बता दीजिए, एक भी सवाल गलत नहीं हुआ आज किस कीमत पे। चलिए क्लियर हो गया भाई? फिर पूछेगा नेक रेक जैव मंडल मेघालय, नेक रेक अगर पूछ लिया, नेक रेक जैव मंडल पूछ लिया या वन्य जीव विहार पूछ लिया, तो बताना कहां है, मेघालय बता देना है। आप जानते हैं मेघालय गारो खासी जयंतियां, गारो खासी जयंतियां पहाड़ भी है, पहाड़ी भी और जनजाति भी है, तो नेक रेक जैव मंडल पूछेगा, मंडल पूछेगा तो
तो मेघालय बताना है, नेक रेख जैव मंडल पूछेगा मेघालय बता देना है, ठीक है ना। नेक रेख जैव मंडल क्या बताना भाई, इसके बाद पूछेगा दिहांग दिबांग, हाँ दिहांग दिबांग पूछेगा, देख लीजिए दिहांग दिबांग, हाँ ये पूछेगा जैव मंडल या वन्य जीव अभयारण्य, तो ये आपको कहां मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, ये मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। दिहांग दिबांग कहां मिलेगा भाई, आपके अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। और अगर पूछ ले अगस्त मलाई केरल में, अगस्त मलाई पूछ लेगा क्या बताना है, केरल, अगस्त मलाई जैव मंडल पूछ लेगा तो केरल बता दीजिएगा, जैव मंडल बताना है कहां पर, केरल में बताना है। वैसे केरल में दो बातें याद रखना है, इलायची की पहाड़ियां, कार्डमम की पहाड़ियां, तो ध्यान रहे कार्डमम की पहाड़ियां केवल एक राज्य नहीं बल्कि दो राज्य में फैला है, एक तो हाँ एक तो कहां है तमिलनाडु में और एक कहां है केरल में। तो अगर आपसे पूछेगा इलायची की पहाड़ियां कहां है, इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां अगर पूछ लेगा तो ध्यान से इसको बताना है, पहाड़ियां इलायची की ये आपको मिलता है, एक तो तमिलनाडु में मिलता है, तमिलनाडु और साथ ही साथ केरल में। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों रहे कि निम्नलिखित में से कार्डमम की पहाड़ियां कहां स्थित हैं, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी कुछ और दे दे उसमें, ठीक है ना, मेघालय दे दे, तो अगर ऐसा ऑप्शन रहे तो तमिलनाडु लगाना है, समझ गए। तो और बाकी वैसे पूछेगा तो दोनों राज्यों में फैला हुआ है, इलायची की पहाड़ियां या कार्डमम की पहाड़ियां, कार्डमम माने भी इलायची, हाँ तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको मिलेगा कहां पर, यही तमिलनाडु और केरल दोनों रहेगा, तमिलनाडु दोनों रहेगा तो क्या बताना है, समझ गए भाई, दोनों रहेगा तो तमिलनाडु, हाँ दोनों रहेगा तो तमिलनाडु आपको बताना है। इसके साथ ही आप जानते हैं पुलिकट झील, उसी झील के किनारे क्या है, हाँ श्री हरिकोटा, वाह वाह, तो श्री हरिकोटा, श्री हरि कोटा पूछेगा तो ये तो है आंध्र प्रदेश में, हाँ आंध्र प्रदेश में है ना। लेकिन सवाल ये पूछ ले कि किस झील के निकट श्री हरिकोटा, तो पुलिकट, हाँ श्री हरिकोटा किस झील के निकट क्या बताना है, पुलिकट। और पुलिकट झील जो है ये दो राज्यों में फैला हुआ है, एक तो आंध्र प्रदेश एक तमिलनाडु, एक ये आंध्र प्रदेश में है और एक कहां है, तमिलनाडु में फैला हुआ है। तो ध्यान रहे ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, पुलिकट झील पूछेगा किन दो राज्यों में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, और श्री हरिकोटा किस झील के किनारे है, तो पुलिकट झील के किनारे, समझ गए। चलिए थुम्भा जहां से रॉकेट छोड़ा जाता है केरल में है, थुम्भा केरल में है, और एक है चांदीपुर उड़ीसा में, दो याद रखना है, एक पूछेगा थुम्भा रॉकेट, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र पूछ लेगा तो बताना है, थुम्भा पूछेगा तो केरल बता दीजिएगा, थुम्भा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र बताना है तो ये आपको मिलेगा कहां पर, थुम्भा ये आपको केरल में, हाँ ये केरल में मिलेगा। लेकिन अगर पूछ ले चांदीपुर कहां है, तो चांदीपुर उड़ीसा में, चांदीपुर रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र पूछ लेगा तो ये बता दीजिएगा कहां पर, ये आपको बताना है उड़ीसा में बताना है। और उड़ीसा से आप जानते हैं उड़ीसा माने कटक, महानदी किनारे है, चिल्का झील, लैगून झील, गोखुर झील, ये सब आप जानते हैं, और हीराकुंड बांध भी महानदी उड़ीसा में स्थित है, और चांदीपुर रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र भी कहां है, उड़ीसा में, वही उड़ीसा जहां कटक, और कटक माने केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कहां मिलेगा आपको, कटक में मिलेगा। क्लियर हो गया भाई, चलिए तो थुम्भा और चांदीपुर याद रखिएगा, यहां हमने आपको श्री हरिकोटा बता दिया जो पुलिकट झील के किनारे है, दो राज्यों में पुलिकट झील है, एक आंध्र प्रदेश और एक तमिलनाडु में है, तो ये आपको याद रखना है। इतनी बातें समझ में आ गया भाई, चलिए अब आपसे पूछा हुसैन सागर कहां है, हुसैन सागर लिख लीजिए हैदराबाद, हुसैन सागर कहां है, तो हैदराबाद,
हैदराबाद बताना है। हुसैन सागर कहां है? हैदराबाद। हुसैन सागर हैदराबाद, ठीक है ना, क्लियर हो गया भाई, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ में आया भाई। चलिए, बेतला राष्ट्रीय पार्क, बेतला वहीं नहीं आई सूतक ना है, बेतला एक एक बेतला नेशनल पार्क, यहां सोना नहीं है भाई, मंगेश जान लीजिए, बेतला नेशनल पार्क झारखंड में मिलेगा, हाँ झारखंड, और झारखंड से जहरिया, वाह भाई कमाल हो गया, जहरिया कोयला के लिए, हाँ तो बेतला नेशनल पार्क आपको बताना है झारखंड, क्या बताना भाई, झारखंड बताना, बेतला नेशनल पार्क झारखंड बताना है, ठीक। चलिए अब आपसे पूछेगा कि भारी जल, भारी जल का निर्माण, भारी जल D2O का निर्माण कहां किया जाता है? ट्रांबे, और ट्रांबे कहां है? ट्रांबे जो ये भारी जल के लिए प्रसिद्ध है, ये महाराष्ट्र में मिलेगा, भारी जल के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहां मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा आपको, ये मिलेगा कहां पर? ट्रांबे, ट्रांबे महाराष्ट्र में मिलेगा। महाराष्ट्र से आपको भी याद रखना है कि भाभा अनुसंधान संस्थान कहां है? ये भी महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र में, होमीजी भाभा, भाभा अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र में, क्या बताना भाई, भाभा अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान बताना है, ये कहां मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा, ये भी मिलेगा आपको महाराष्ट्र में, हाँ भाभा अनुसंधान संस्थान कहां मिलेगा? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में आप जानते हैं बोरोवली नेशनल पार्क, महाराष्ट्र में बोरोवली, महाराष्ट्र नेशनल पार्क है बोरोवली, बोरोवली महाराष्ट्र में। काला घोड़ा उत्सव कहां मनाया जाता है? काला घोड़ा उत्सव महाराष्ट्र में। पवई झील कहां है? यो महाराष्ट्र में, पवई झील महाराष्ट्र में, और लोनार झील महाराष्ट्र में, हाँ पवई झील महाराष्ट्र में, ले लीजिए जो छूटे उसको तत्काल बोलिए, फिर से रिपीट कर देंगे, कोई सवाल छूटे उसको तत्काल आप न लिख पाइए उसको आप बोल दीजिए, भाभा अनुसंधान महाराष्ट्र, पवई झील महाराष्ट्र, बोरोवली नेशनल पार्क महाराष्ट्र, और हाँ और तारापुर नाभिकीय शक्ति केंद्र महाराष्ट्र। भारत का प्रथम विद्युत शक्ति केंद्र अगर पूछ ले तारापुर, और तारा कहां है? तारापुर, तारा कहां से आई थी? महाराष्ट्र से। अब बंटी बबली वाला, अगर बबली परियोजना पूछ ले महाराष्ट्र, तारा महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र, हाँ तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र, ठीक। वरली, वरली मुंबई, वरली मुंबई माने महाराष्ट्र, वरली कहां है? महाराष्ट्र, हाँ तो इसको भी बात याद रखना है। और वैसे आप जानते हैं चर्च गेट का नाम सुने होंगे, हाँ वहीं पर क्या है? शेयर मार्केट, भारत का शेयर मार्केट, हाँ राष्ट्रीय माने भारत का स्टॉक एक्सचेंज कहां है? महाराष्ट्र में, हाँ शेयर मार्केट, और उत्तर प्रदेश वाला कानपुर में, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में, और कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, हाँ चमड़े के लिए प्रसिद्ध है बहुत से, अच्छा मरा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में, वाह भाई कमाल हो गया, भाभा अनुसंधान संस्थान, होमी जी, होमी जहांगीर भाभा जो एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, तो ये महाराष्ट्र में होमी भाभा अनुसंधान केंद्र है, यहां पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं, ठीक है ना, हाँ वो अरविंद घोष, वाह डीएनए, वाह सही बता रहे, हाँ हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, क्लियर हो गया। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई भाई, अब आपसे पूछेगा बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ, हाँ बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क पूछेगा कर्नाटक बताना है,
कर्नाटक, बादीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, कासका से कर्नाटक, कासे काफी और सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक, समझ गए भाई? हाँ, और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, तुरंत तमिलनाडु। पोंगल कहां का है? तमिलनाडु का है। और जल्लीकट्टू भी वहीं का है। हाँ, तो उसी पर, इसी त्योहार के ऊपर मनाया जाता है। हाँ, और तमिलनाडु का इस पर बैन भी लग गया था, क्योंकि पशुओं के क्रूरता, मतलब पशु बैल के सींग में लाल कपड़े में पैसा बांधते थे। हाँ, बैल को, हाँ, तो ले लीजिए भाई, पोंगल तमिलनाडु, जल्लीकट्टू पूछेगा तमिलनाडु बताना, समझ गए भाई? नहीं समझ पाए? मगरमच्छ वाला क्या था? भीतर कनिका, भीतर कनिका किसके लिए? मगरमच्छ के लिए, मगरमच्छ के लिए। हाँ, अब बताइए लोकटक झील कहाँ है? भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, या लोकटक नेशनल पार्क पूछेगा सब कहाँ? मणिपुर। और मां से मणिपुर, मां से मैरीकॉम, तो मैरीकॉम मुक्केबाज का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर, मणिपुर से, ठीक ना? समझ गए? मैरीकॉम जिनके ऊपर मूवी भी बना, पिक्चर भी बना, हाँ, मुक्केबाज, भारत की मुक्केबाज है मैरीकॉम, उनका संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर से। मैरीकॉम का संबंध किस से है? मणिपुर से। क्लियर हो गया भाई? तो लोकटक झील जान लीजिए, तैरता हुआ झील, तैरता हुआ पार्क। पेंच नेशनल पार्क हमने बताई दिया मध्य प्रदेश में, कान्हा हमने बताई दिया है मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। बेतला हमने बताया है झारखंड, और झरिया आप जानते हैं कोयले के लिए प्रसिद्ध होती कहाँ है? झारखंड में है, समझ गए भाई? चलिए, हाँ, झुमरी तलैया भी है, बहुत सही भाई। चलिए, इसके बाद राजा जी नेशनल पार्क, तो ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है राजा जी नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है, ठीक है ना? ये कहां भाई? उत्तराखंड, उत्तरांचल या उत्तराखंड दोनों एक ही, ठीक? तो राजा जी नेशनल पार्क, वैसे भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कार्बेट। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कार्बेट, लेकिन जिम कार्बेट नेशनल पार्क जब बना था भारत और, मतलब भारत में, भारत का पहला नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों का संयुक्त था, मतलब एक ही में था, लेकिन जब उत्तराखंड बट गया तो उत्तराखंड में चला गया, और जो जिम कार्बेट था उसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, और अभी वर्तमान में उसका नाम है रामगंगा। तो रामगंगा नेशनल पार्क भी उत्तराखंड, रामगंगा नेशनल पार्क कहां है? तो उत्तराखंड। नेशनल पार्क आपको मिलेगा ये उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड। वैसे फूलों की घाटी कहां है? फूलों की घाटी कहां है? उत्तराखंड। फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। वैसे अब अगला बताइएगा, फुलहर झील कहां? फुलहर झील उत्तर प्रदेश, पीलीभीत। फुलहर झील उत्तर प्रदेश, हाँ, बहुत बढ़िया, पीलीभीत, पीलीभीत। और यहीं से गोमती नदी, हाँ, पीलीभीत से निकलती है, फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है, गलत नहीं होना चाहिए। तो फुलहर झील पूछेगा पीलीभीत बताना है, और यहाँ फूलों की घाटी पूछेगा उत्तराखंड बताना है, वैसे नंदा देवी चोटी भी बताना है उत्तराखंड, नंदा देवी चोटी भी बताना है कहाँ? उत्तराखंड, उत्तराखंड बताना है। नंदा देवी चोटी कहाँ बताना है? उत्तराखंड बताना, ठीक है ना? नंदा देवी चोटी। चलिए अब बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, डॉल्फिन। अब यहां से सवाल यह है कि भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग किसे घोषित किया गया? भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग उत्तरा, चलिए, भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग ये जानते हैं आप, और नहीं जानते तो जान लीजिए, इलाहाबाद से हल्दिया तक,
माने प्रयागराज से हल्दिया, हल्दिया पश्चिम बंगाल, हाँ पश्चिम बंगाल ठीक। आगरा तो यमुना नदी किनारे है, आगरा यमुना नदी किनारे है ठीक ना, हाँ आगरा यमुना नदी, लेकिन यहां ने कहा भारत राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से लेकर हल्दिया, ये हल्दिया पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश दोनों को जोड़ता है, इसी को भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं ठीक ना। इलाहाबाद से हल्दिया ये आपको मिलेगा, इलाहाबाद माने प्रयागराज, और प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज माने उत्तर प्रदेश और हल्दिया माने पश्चिम बंगाल ठीक ना। तो इसको याद रखना है, चलिए इसको याद रखना है, दोनों को जोड़ता है, क्या करता है भाई दोनों को जोड़ता, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग पूछेगा तो ये बताना है। चलिए इसके बाद आप जानते हैं पूछेगा शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, और शेरशाह सूरी की मृत्यु कहां हो गई थी जल्दी से, हाँ शेरशाह सूरी इसका जो इसकी मृत्यु कलिंजर का दुर्ग तोड़ने का एतमादा में तो ही हुई थी, इसका मकबरा, हाँ इसका मकबरा सासाराम, इसका मकबरा कहाँ है सासाराम बिहार में, बिहार सोरा के लिए प्रसिद्ध था, बिहार अफीम के लिए प्रसिद्ध था, अफीम की खेती बिहार में, अफीम की खेती कहाँ होती थी बिहार में, अच्छे किस्म का सोरा कहाँ होता था बिहार ठीक है ना, तो अफीम और सोरा के लिए प्रसिद्ध था बिहार ठीक है। तो शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम फरीद खां था, तो शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था गाजीपुर फैक्ट्री है और उत्पादन बाराबंकी होने होने हो गया, हो गया भाई छूट। चलिए इसे जो सवाल आपका छूट जा रहा है या नहीं लिख पा रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो हम धीरे बोलेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सवाल जो है रिपीट करना है, और एक सवाल हम कई बार रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं कि खाली आज ही, कई बार हम क्या करेंगे इसको रिपीट करते रहेंगे ठीक ना, कई बार इसको रिपीट करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि एक एक सवाल तुम रटा जाएगा ठीक। इतनी बातें, हाँ क्वेश्चन वही पढ़ रहे हैं जो आपके पेपर में एकदम आने वाला सवाल है। इतनी बातें समझ में आए भाई, ये आया है आएगा, क्या हो गया भाई मंगेश बताइए क्या हो गया, अच्छा बाप में चलिए अच्छा पंचमढ़ी, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश पूछेगा, पंचमढ़ी कहाँ है जैव आरक्षित क्षेत्र है, पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र पूछेगा किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश बताना है, पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है तो क्या बताना है मध्य प्रदेश बताना है, एमपी बता देना है, पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र पूछेगा तो बताना है, समझ गए लिख लीजिए जल्दी जल्दी, सब लिखते रहिए एकदम। अब केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है, मालाबार, केरल के तट को क्या कहा जाता है, चलिए आंध्र प्रदेश और केरल के तट को कहते हैं कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु पूछेगा तभी क्या बताना कोरोमंडल, केवल केरल पूछेगा तो मालाबार, इसके अलावा अगर पूछ लिया आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं कोरोमंडल, देख लीजिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, हाँ के तट को क्या कहते हैं, तट को क्या कहते हैं तो लिख लीजिए ये आंसर हो जाएगा कोरोमंडल, कोरोमंडल कहते हैं कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं कोरोमंडल कहते हैं,
समझ गया भाई। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल कहते हैं, ठीक, कोरोमंडल। और केवल केरल के तट को पूछेगा तो मालाबार, केवल केरल पूछेगा तो मालाबार बताइएगा, ठीक ना, केवल केरल पूछेगा तो बताना है मालाबार, ठीक। चलिए अब महत्वपूर्ण पॉइंट और देख लेते हैं।